हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक हियर विद अनदर रेसिपी जो है रमज़ान स्पेशल कीमे के समोसे। जी हाँ, बहुत ही डिलीशियस क्रिस्पी से समोसे बनाएंगे आज। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस। तो एक कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, 1 टेबलस्पून, ज़्यादा ऑयल यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अब उसमें ऐड करेंगे मटन का कीमा, 500 ग्राम्स, मीन्स आधा किलो मैं यहाँ पे मटन का कीमा ली हूँ। इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि अगर इसके अंदर मॉइस्चर हो वो सूख जाए। टू टू थ्री मिनट्स के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और फिर 2 मिनट्स के लिए इसको कुक करूँगी ताकि जिंजर एंड गार्लिक की रॉ स्मेल चली जाए। सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर योर टेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे जैसे जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला पाउडर। क्वांटिटी सारी मैंने स्क्रीन पे मेंशन की हुई है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए कीमे में। अब मैं स्प्रिंग अनियन का ग्रीन जो पार्ट होता है वो ऐड कर रही हूँ। ये भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। ये हो गया, अब मैं इसको ट्रांसफर कर लूंगी एक बाउल में। कुछ मिंट लीव और कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे इसमें। अनियन ऐड करेंगे 1 कप फाइन चॉप करके, ताकि अनियन का क्रंच आए। क्रश की हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चिली की क्वांटिटी आप लोग अपने अकॉर्डिंग लेना। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने समोसे की शीट ली हूँ, समोसा पट्टी ली हूँ। अब समोसा रैप कर लेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो मैं कैसे रैप कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे आटे की स्लरी बना के रखी हूँ, बहुत थिक वाली, ताकि मैं समोसे को स्टिक कर सकूँ। अपनी डिज़ायर क्वांटिटी यहाँ पे फिल कर लेंगे, ओवरफिल नहीं करेंगे समोसे को, और अच्छे से रैप कर लेंगे। स्लरी अप्लाई करके इसको स्टिक कर देंगे ताकि ये ऑयल में खुले नहीं। इसके साइड जो है वो एक बार स्लरी में डिप कर लेंगे ताकि ऑयल में इसके जो भी फिलिंग है वो बाहर नहीं आए। आप लोग इसको बना के स्टोर भी कर सकते हो 15 to 20 days के लिए रमज़ान में। अब मैं समोसा फ्राई कर लूँगी। तो ऑयल ली हूँ मैं, ऑयल ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होने तक। तो समोसे मेरे फ्राई हो गए हैं, मैं इसको निकाल लूँगी। और बस प्लेटिंग कर लेंगे। तो मैंने इसको केचप के साथ सर्व की हूँ, आप लोग ग्रीन चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा समोसा, कीमे के समोसे। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।